तो ये वीडियो स्वदेशी के ऊपर हमने पतंजलि विश्वविद्यालय के छात्रों ने मिलकर बनाई है। तो इस वीडियो में हमने भाई राजीव दीक्षित जी से प्रेरणा लेकर अपने स्वदेशी के प्रचार को बढ़ाने में थोड़ा सा प्रयास किया है, तो जितना हम कर सकते थे, तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं हमेशा स्वदेशी अपनाऊंगा, क्योंकि मेरा देश बचेगा तो मैं बचूंगा। मन रहे स्वदेशी का प्रेमी, ना किसी विदेशी वस्तु पर बहके, अपने भारत की मिट्टी की खुशबू फिर एक बार जग में महके। उन विदेशी हाथों में क्यों हम अपनी लक्ष्मी सौंपे, अपना आंगन अपनी क्यारी क्यों ना अपने पौधे रोपे, क्यों ना अपने पौधे रोपे। पूरा विश्व साक्षी है इस बात का, एक बार जो भारतीय ने ठान लिया फिर उसे कोई भी नहीं रोक पाता है। जिस प्रकार भारत विश्व गुरु बना था, विश्व गुरु था, उसी प्रकार हम आज भी विश्व गुरु बन सकते हैं। आज भारत की पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा है। आई सपोर्ट मोदी जी, सो प्लीज सभी स्वदेशी अपनाएं। मेरा देश ही सर्वोपरि है, और इसलिए मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि मैं लोकल को ग्लोबल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, और आदरणीय मोदी जी का सपना हम पूरा करने के लिए दिन रात एक होकर के आगे बढ़ेंगे, ये आज हम प्रण लेते हैं। आज स्वदेशी के ऊपर दो लाइन, गाड़ी मेहनत की कमाई, क्या सब विदेश भी जीवाओगे, अपना देश भी विकसित होगा जब स्वदेशी होगी। तो मेरा नमस्कार, मैं आप सभी को एक संदेशा देना चाहता हूँ कि जितना हो सके अपना स्वदेशी आइटम यूज करें, अपनी कंट्री में बने हुए प्रोडक्ट को यूज करें। एप्लीकेशन जितनी भी बाहर की है, चाइनीज खासकर, वो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, उनको यूज मत करें। अपने इंडियन को आपको अगर आगे बढ़ाना है, इंडियन लोगों को अगर आप सक्सेस देखना चाहते हो, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ देखना चाहते हो, तो कृपया करके स्वदेशी को। अभी आज इस प्रोडक्ट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वदेशी अपनाएं और भारत को बचाएं। जय हिंद। शुद्ध स्वदेशी फ्रिज, तो स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। भारत में बनी चीजों की अपनी शान है, क्योंकि मेरा भारत महान है। मैं आपसे दो लाइनें कहना चाहूंगा, यही मंत्र हो यही साधना, भारत भव्य बनाना है, तंत्र स्वदेशी मंत्र स्वदेशी, भाव स्वदेशी लाना है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।